और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। ओम माथुर ने नरबदिया में स्थित अनगढ़ बावजी में आयोजित सनातन चातुर्मास में शिरकत की। इस दौरान अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज सहित कई संतों का आशीर्वाद लिया और सनातन चातुर्मास के समापन पर आयोजित धर्म सभा को संबोधित किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से बातचीत में ओम माथुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। ओम माथुर से खास बातचीत की सहयोगी पी के अग्रवाल ने। भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर आज मेवाड़ के दौरे पर निश्चित तौर पर अनगढ़ बाबा जी पहुंचे, श्री सावलिया जी के मंदिर में पहुंचे, दर्शन किए। यात्रा को कैसे देखा जाए इस विधानसभा चुनाव में? पंतनगर के विधानसभा का चुनाव का यात्रा वाले महाराज जी बार इनका चतुर्मास मेरे जिले में भारी मेरा जाना हुआ। और जब इतना संत समागम होता है तो स्वाभाविक रूप से इतना व्यस्त होने के बावजूद एक मन में स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है कि सभी संतों का आशीर्वाद लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी सनातनी पार्टी है और हमेशा सनातन की रक्षा करने वाली पार्टी है और हम जैसे कार्यकर्ता तो निश्चित रूप से सनातन के आधार पर आया तक बढ़े और देश को पुनः विश्वगुरु की ओर, पुनः सोने की चिड़िया की ओर बढ़ा। और जो 9 सालों में हम लोगों ने काम किया है, जो 500 साल से 600 साल हजारों साल से जो हमारा एक संस्कृति के स्थान छिन भिन पड़े थे उनको वापस उजागर किया, इस नाते हम सनातन संस्कृति को प्रलवित करने के लिए। लेकिन जिस तरह से सनातन सत्य के लिए भाजपा काम करती है, आगे बढ़ती है, लेकिन गंभीर आरोप भी लगते हैं कि ये राजनीति करने है, धर्म को लाने वाली पार्टी है, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली पार्टी है, इन सारे बयानों को कैसे देखते हैं? देखिए, ये इस सारा राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले का उत्तर कई दिल का मतदाता थे। लगभग 65 साल एक परिवार को एक पार्टी को राज करने का मौका मिला, उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। और आज कभी हम कल्पना करते थे, हमारे बुजुर्ग हमारे पहले विद्वान लोग कहते थे भारत विश्व गुरु था, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, दुनिया भर के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। लेकिन 2014 के बाद पहला भाषण योजना जो हमारे देश के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था, उन्होंने पूरी दुनिया का आह्वान किया, खुद के लिए नहीं मांगा। आज अगर दुनिया में कोई संस्कृति बची है तो हिंदुस्तान की संस्कृति बची है, वो इन महापुरुषों से, इन संतों की वजह से बची है। बात छत्तीसगढ़ की हुई, आपसे पीड़ित से प्रभारी हुए, कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, इस पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में किया, समय से पहले बहुत पहले आंदोलन किया, दोनों स्टेटों में छत्तीसगढ़ में 3 महीने पहले निकले दिन हुए 21 टिकट। मेरे ख्याल से आज़ादी में पहला उदाहरण होगा कि अभी चुनाव का अता पता नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी, कंफ्यूजन चल रहा है, कोई कहते हैं लोकसभा विधानसभा साथ होगी क्या होगी, लेकिन हमने तो 3 महीने पहले डिक्लेयर कर दिए और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली। राजस्थान से आपका लगाव रहा है, राजस्थान में क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से जो परिवर्तन यात्राओं का जो एकदम रेस्पॉन्स मिला है, राजस्थान में भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना। मेरे ख्याल से 30 तारीख को मुझे अभी रास्ते में सूचना मिली क्योंकि मैं चुनाव समिति का मेंबर हूँ, तो 30 तारीख को चुनाव समिति है दिल्ली में। देखो, इंतजार करिए, जब तक आप स्टोरी बनाइए। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव की बात भी होती है, जिस प्रकार से माथुर ने कहा है कि 30 तारीख को चुनाव समिति की बैठक है और स्वाभाविक है जल्दी ही राजस्थान के टिकट भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ पी के अग्रवाल, फर्स्ट अनगढ़ बाबजी चित्तौड़गढ़।